अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, कल हमने सिंधुताई सपकल के बारे में बात की थी, जिन्होंने ये कहा था कि मेरा जीवन का रास्ता कांटों से भरा हुआ था और मैंने उन कांटों से जूझने के बजाय उन कांटों से दोस्ती कर ली और उससे मुझे मेरे जीवन के सारे जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हुई। तो विचार करने वाली चीज ऐसी है कि हम लोग सोचते हैं कि हमेशा सुख मिलना चाहिए, दुख नष्ट होना चाहिए। और सुख की सीधी साधी व्याख्या जो है वो है इंद्रिय भोग। मनपसंद चीजें होंगी तो उससे सुख मिलेगा। मन में बहुत सारी पसंद की बातें, उसकी व्याख्या मन करते रहता है और हम सोचते रहते कि ऐसा होगा तो जीवन कितना अच्छा होगा। लेकिन हम सदैव ये देखते हैं कि जब भी कुछ सुख प्राप्त होता है या मन के पसंद जैसी घटनाएं घटती रहती है तो बहुत ज्यादा लक्षणीय आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त नहीं होते हैं। यू डू नॉट गेट एनी सॉलिड स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस व्हेन यू आर हैप्पी एंजॉयिंग योर लाइफ। दिव्य आध्यात्मिक साक्षात्कार, सक्षम साक्षात्कार, वेरी टेंजिबल एंड सॉलिड रियलाइजेशंस, ये तब प्राप्त होते हैं जब ही हमारे जीवन में कष्ट आता है। और कुंती देवी इसलिए कहती है ना, वो ये नहीं कहती बार बार मुझे सुख दे दो ताकि मैं सुखी रहूं और आपको आपकी अनुभूति प्राप्त करती रहूं। वो कहती है बार बार दुख भेजो, क्योंकि उन्हें पता है कि जब दुख आते हैं तो आदमी कृष्ण को याद करता है और कृष्ण की याद आने से फिर साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। तो इसी विषय में दूसरी बात यह है कि वो श्रद्धा कि हमारे जीवन में हर घटना कृष्ण की इच्छा से होती है और वो श्रद्धा कि कृष्ण हमारे लिए हर घटना का आयोजन हमारे कल्याण के लिए करते हैं। हर एक घटना जो हो सकता है दुख भरी हो लेकिन वो हमारे अंतिम कल्याण के दृष्टि से ही अनुकूल रूप में कृष्ण हमारे जीवन में उसको प्रस्तुत करते हैं। ये श्रद्धा होगी तो फिर जब भी कष्टमय घटनाएं होती है तो हम भगवान के प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं। आमतौर पर दुख आने पर कोई कृतज्ञ नहीं होता है, दुख आने पर क्रोध आता है या किसी को हम ब्लेम करते हैं कि उसके वजह से दुख हुआ, उसके कारण ये कष्ट हुआ। लेकिन जब ये मन के पटल पर ये श्रद्धा होती है कि ये भगवान ही कर रहे हैं और उनकी इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा हमारे अंतिम कल्याण के लिए है, तो जो आवश्यक कृतज्ञता है, रिक्वायर्ड ग्रैटिट्यूड डेवलप्स इन द हार्ट। और ये जितनी ज्यादा कृतज्ञता होगी, जितनी ज्यादा हम ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा आध्यात्मिक साक्षात्कार हमें प्राप्त होता है। और ये आध्यात्मिक साक्षात्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए भगवान के नाम का जप कितना महत्वपूर्ण है इसका हम कभी भी
अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान के नाम के जप के माध्यम से ही आत्मा को ये अनुभूति प्राप्त हो सकती है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में श्री कृष्ण स्वयं दखल दे रहे हैं, उनके निर्देश में सब कुछ हो रहा है, वही मुझे हाथ पकड़कर कांटों से, फूलों से, सभी रास्तों से अपने लक्ष्य तक लेके जा रहे हैं। तो एक है दुखों से परेशान न होना और दूसरा है दुखों के प्रति कृतज्ञ रहना, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन को शक्तिशाली और समृद्ध केवल दुखद घटनाएं बनाती है। सुखद घटनाएं हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत नहीं बनाती है, उल्टे अधिक सुख आने से हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत कमजोर हो जाता है, भगवान का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। तो आइए भगवान के नाम के जप के इस विधि को कभी भी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, कोई ऐसा कष्टमय प्रसंग आ जाए, चुनौतियां आ जाए, लेकिन सब कुछ बाजू में रखकर सवेरे उठकर हमें भले देर से क्यों ना हो लेकिन एक बार उठकर सवेरे भगवान के नाम का नियम जो है पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि तो उसी के माध्यम से हमें वो कृतज्ञता प्राप्त होने वाली है, उसी के माध्यम से वो धन्यवाद की भावना प्राप्त होने वाली है, उसी की भावना से, उसी के कारण हमें वो दुखों से मित्रता करने की शक्ति भी प्राप्त होने वाली है। और हम कुछ भी करेंगे तो इस विश्व में सुख की तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं भगवान के द्वारा, तो उसके लिए विचार करके, उसके लिए इच्छा करके, उसके लिए तड़प के क्या लाभ है, आने वाले तो दुखी हैं और कुछ नहीं हमारे गोद में आने वाले, हमारे थाली में केवल दुखी परोसने वाले हैं, क्योंकि तो हमने वो ऐसे कर्म किए हैं। इसलिए अच्छा यही है कि हम भगवान का धन्यवाद करें, इसकी अनुभूति रखें कि यह सब कुछ हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो कम से कम इन दुखद अनुभवों से आध्यात्मिक समृद्धि तो प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे, भगवान के लिए और आसक्ति प्राप्त करेंगे, वही तो हमारे सारे दुखों का उद्देश्य है कि हम भगवान से अधिक आसक्त बने और दुनिया से अधिक अधिक विरक्त बने और उन पर ही दिल लगाएं जो हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।